हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपन इस वीडियो में बात करने जाएंगे कि F&O में जो ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग करते हैं, उनका ITR आप कैसे फाइल कर सकते हो, किस तरीके से कौन कौन से सेक्शंस आपको, कौन कौन से शेड्यूल्स आपको ओपन करने हैं, इनकम टैक्स की लाइव ITR 3 फाइल की जाती है, राइट। सो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए मैंने एक F&O की शीट आपको स्क्रीन पे मिलेगी, ये मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी हाइड कर दी है। ये वन ऑफ माई क्लाइंट की ITR हम फाइल कर रहे हैं, ITR 3, राइट। इसके अंदर आपको मिल जाएगा रियलाइज P&L कितना होता है, तो ये 2.71 लाख के करीब का लॉस है, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 8 ईयर्स के लिए। सो वो 8 ईयर्स के लिए लॉस कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, सो इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। कैरी फॉरवर्ड करके अभी अपन देखेंगे लाइव, राइट। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अलावा यहाँ पे टर्नओवर कैलकुलेशन इन्होंने करके दे रखी है। सो F&O की टर्नओवर कैलकुलेशन, अगर आपके एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट है तो आप कैसे करोगे, उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है कि आपका F&O के केस में ऑडिट कब लगेगा और किस तरीके से आप टर्नओवर कैलकुलेशन अपनी कर सकते हो। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। फिलहाल हम प्रीपेयर शीट पे काम करेंगे और टर्नओवर की कैलकुलेशन हमारी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। सो हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ गए हैं, incometaxeportal.incometax.gov.in, राइट। यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करोगे तो आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का ये ऑप्शन देगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है और आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपने कोई भी फॉर्म नहीं भरा होगा तो यहाँ पे सेलेक्ट न्यू फॉर्म करके एज एन इंडिविजुअल आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। उसके बाद ये ITR का फॉर्म देगा आपको। ITR के फॉर्म में आप ITR 3 सेलेक्ट करके प्रोसीड विद ITR 3 पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड में ये आपको कई सारे ऑप्शंस देगा, 2-3। इसमें आपको टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका ये क्रूशियल पार्ट आता है कि आपको शेड्यूल कौन कौन से ओपन रखने हैं, राइट। यहाँ शेड्यूल में आपको इनकम के, बिजनेस के, डेप्रिसिएशन के, डिडक्शन के सारे शेड्यूल मिल जाते हैं। सो आप इनकम में आएंगे तो अगर आपकी सैलरी भी है F&O के साथ साथ, तो आप सैलरी यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई रेंटल इनकम भी है या लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, लेट से आपने होम लोन ले रखा है, कोई इंटरेस्ट वगैरह आपको दिखाना है, डिडक्शन लेनी है सेक्शन 24 की, तो आप यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट डीसेलेक्ट कर सकते हो एज अ केस में भी। शेड्यूल कैपिटल गेन, अगर आप F&O के साथ साथ शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हो तो इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ हम F&O की बात कर रहे हैं तो हम ये शेड्यूल कैपिटल गेन को यहाँ पे डील नहीं करेंगे। इसके बाद ये VDA बात करता है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हमारी बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह हो जाते हैं। इसके बाद शेड्यूल अदर सोर्सेज हमारी बात करता है इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड विनिंग की। सो आप इसके अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेड्यूल सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिडक्शन में आपको मेनली 80D दे देगा, जो कि हमारा मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन सेक्शन होता है। 86 से चैप्टर 6 से दे देगा, जिसमें हमारा 80C वगैरह यहाँ पे कवर अप होता है। सो यहाँ पे अगर हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद ये हमें स्किप द क्वेश्चन पे अपना क्लिक कर देना है। यहाँ पे पार्ट ए में जर्नल इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिकली आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इसमें आपसे ये आधार नंबर वगैरह आपका पूछता है या ऑलरेडी भी ले रखा होता है इसने। बैंक वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हो अपना, बैंक के साथ साथ एड्रेस वगैरह भी यहाँ पे आपसे मांगता है, राइट। नेचर ऑफ द बिजनेस को आप खाली छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपको जो F&O का टर्नओवर है, यहाँ पे F&O का हमारे पास टर्नओवर कैलकुलेटेड है, हमें बाय वैल्यू और सेलेक्ट सेल वैल्यू को इसमें डालना है और यहाँ पे लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, राइट। सो बेसिकली जब हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट पे, हम क्लिक करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट पे, क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन पे क्लिक करना है। रिवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन पे आपको ये बेसिकली यहाँ पे इसको एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ सर्विसेज पे आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे बेसिकली ये बोलेगा नेचर ऑफ रिवेन्यू, नेचर ऑफ रिवेन्यू में आपको डालना है सेल ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और यहाँ पे आपको यहाँ पे रियलाइज P&L में टर्नओवर का अपना वैल्यू डाल देना है, जो कि मेरे केस में 1.22 CR आ रहा है, तो मैं ये वाला इसका सेल वैल्यू डाल दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए, सेल फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब आपको परचेज भी डालना होगा, परचेज नहीं डालोगे तो आपका क्या होगा, ये लॉस कैसे आएगा, ये तो खाली रिवेन्यू रह जाएगा। सो परचेज आपको बेसिकली कहाँ डालना है वो आपको मैं बता देता हूँ। परचेज आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाके यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डालना है परचेज ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस, राइट, F&O आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी परचेज वैल्यू यहाँ पे दिखा दीजिए। परचेज वैल्यू निकालने के लिए आपने बाय वगैरह
यहाँ पे बाय रेट दे रखे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है, बाय अमाउंट दे रखी है, राइट right? इसको आप कैलकुलेट करो, अपना कैलकुलेट करने के बाद ओवरऑल जितना भी वैल्यू आती है बाय की वो आप डालेंगे तो आपका सेल माइनस बाय आ जाएगा। उसके बाद जो आपका नेट लॉस आ रहा है इस केस में मेरी शीट में जो कि 2.71 लाख है, राइट right? वो हमारे अपने आप आना अपीयर होना दिखाई दे जाएगा। तो जब मैं बाय की कैलकुलेशन करके यहाँ पे अपनी परचेज अमाउंट डालता हूँ, राइट सो यहाँ पे परचेज अमाउंट में परचेज ऑफ एफेंडो डाल के मैंने यहाँ पे अपना परचेज वैल्यू डाला, बाय वैल्यू डाला, उसके बाद मेरा लॉस यहाँ पे अपने आप कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे लॉस कैरी फॉरवर्ड कहाँ पे होगा मैं आपको एक बार वो भी दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम अपना जितना भी हमारा लॉस है यहाँ पे हमने दिखा दिया अपना, और उसके बाद हम इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद ये हमारा लॉस अपने आप पिक करेगा। और आपको इसके साथ साथ एक एक्सपेंसेस होते हैं, मैं एक्सपेंसेस का भी आपको बता देता हूँ, कई सारी क्वेरी आती रहती हैं आपकी। सो ये जो एक्सपेंसेस है हमारे, जैसे ब्रोकरेज हो गए, सेबी टर्नओवर चार्जेस हो गए, एक्सचेंज स्टैम्प ड्यूटी, एसटीडी और जीएसटी, राइट सो आप यहाँ पे इनको एक्सचेंज में जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एक्सचेंज में आपने खर्च करे हुए हैं, ठीक है, उसको भी डाल सकते हो। यहाँ पे आप अनदर डाल देते हो, अनदर एक्सपेंसेस में आप एक्सपेंसिस डाल दीजिएगा, एक्सपेंसिस इन रिलेटेड टू एफ एंड ओ, इस तरीके से आप एक अलग से सेक्शन बनाइए, और एक्सपेंसेस में आप जीएसटी का अमाउंट छोड़ के सारा का सारा एक्सपेंसेस ले सकते हो, या जीएसटी आप ले सकते हो, अगर आपका जीएसटी है तो क्लेम कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जीएसटी लो। तो ये आता है हमारा 46687, तो इसके साथ ही ये एक्सपेंस भी हमारा आगे की तरफ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके अलावा हम इसको कंफर्म करेंगे, हमारा टोटल लॉस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 3.18 लाख का। इसके बाद इसको कैरी फॉरवर्ड या 8 सालों के लिए हो रहा है नहीं हो रहा है, या सेट ऑफ कैसे होगा, अगर आपके पिछले साल के कोई लॉसेज हैं या पिछले साल का कोई आपका लॉसेज है वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा, तो ये अपने आप ऑटो मर्ज होके नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए और उसका जितना ईयर्स बच रहा होगा पिछले लॉसेस का उसके साथ ही आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का आएगा, डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ ऑफ करंट ईयर लॉसेस। देखो अगर आपके कोई अदर लॉसेस यहाँ पे प्रॉफिट होते तो इसके साथ बिजनेस लॉस में ये सेट ऑफ हो जाता। देखो सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का इसके साथ सेट ऑफ नहीं होने का, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। एक स्पेकुलेटिव इनकम हमेशा स्पेकुलेटिव लॉसेज से ही सेट ऑफ हो सकती है, नॉन स्पेकुलेटिव लॉसेज से सेट ऑफ हो सकती है, राइट सो यहाँ पे हमारी कोई अदर इनकम है नहीं जो इस नेचर की है, तो हमारा 3.18434 का जितना भी लॉसेस है ये इस तरीके से बैलेंस आफ्टर सेट ऑफ वाले सेक्शन में आपको दिखाई देने लगेगा। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी यहाँ पे कोई अदर इनकम नहीं है, केवल एफ एंड ओ के टर्नओवर की हम बात कर रहे हैं। अगर किसी का सैलरी है तो सैलरी का ये वाला शेड्यूल है, यहाँ पे जाके अपना सैलरी का अलग से डाल सकते हो। सैलरी के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आपको लिंक अगेन आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कैपिटल गेन आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसका आपको यहाँ पे अलग से शेड्यूल मिल जाएगा। जितने भी शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड वगैरह में सेलिंग किसी ने की हुई है यहाँ पे आप कैपिटल गेन में जाके अपना शो कर सकते हो, इसकी भी मैंने अलग में वीडियो बना दी है, आप जाके लिंक आई बटन पे अगेन मिल जाएगा। इसके बाद हमने कैरी फॉरवर्ड का करंट ईयर का देखा, अब ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वो वाली लॉसेस की बात कर रहा है जो लॉसेस हमने पहले बुक करे हुए हैं। प्रीवियस ईयर में हमारे कोई एफ एंड ओ के लॉसेस हैं वो हमने कैरी फॉरवर्ड कराए थे अपना रिटर्न फाइल करके, तो ये यहाँ पे उसको दिखाई देना शुरू कर देगा, राइट। अब पास्ट ईयर लॉसेस टू बी ब्रॉड फॉरवर्ड, करंट ईयर लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड, सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कौन कौन से लॉसेज आपके कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रॉड फॉरवर्ड तो कोई भी लॉस है नहीं, बट करंट ईयर में मेरा एक लॉस है जो मेरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है फॉर द 8 ईयर्स, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अवेलेबल फॉर द सेट ऑफ, ठीक है, ये मेरा लॉस है जो मेरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। सो मैं इसको कंप्यूट सेट ऑफ करूंगा और ये आगे की तरफ मेरा प्रोसीड करेगा। इसके अलावा भाई मेरे पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, यहाँ पे शेड्यूल 6 है, अगर मेरी डिडक्शंस कोई है इनकम के साथ साथ तो मैं यहाँ पे अपनी 80C 80D वगैरह की डिडक्शंस शो कर सकते हूँ। यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में क्लिक करूंगा तो ये 0-0 ही आना है मेरा, रीजन बीइंग मेरा लॉस है और लॉस ऑफ करंट ईयर टू बी कैरी फॉरवर्ड मेरा यहाँ पे आना शुरू हो गया 3.18434। इसके अंदर मेरा एफ एंड ओ का लॉस भी है और मेरे साथ में एक्सपेंसेस भी हैं जो एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे डिस्कस करे थे, राइट सो ये बहुत ही काफ़ी सब्जेक्टिव व्यू है। इन माई ओपिनियन हमें जीएसटी नहीं लेना चाहिए, आपकी ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकती है, किसी अलग ऑथर की ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकती है, मेरी ओपिनियन एक्सक्लूसिव ओपिनियन नहीं है,
राइट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, यहाँ पे अगर आप आओगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑफ टोटल इनकम वो 0-0 ही आना है, क्योंकि आपने एफ एंड ओ में कोई भी प्रॉफिट नहीं करा, केवल लॉस ही किया है, राइट. इसके बाद आप इसको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर सकते हो. प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपको ये यहाँ पे क्लिक कराएगा और प्रोसीड टू प्रीव्यू कराएगा. यहाँ पे आपका रिटर्न का प्रीव्यू आ जाएगा. इस प्रीव्यू को आप एक बार चेक कीजिएगा, गो थ्रू कीजिएगा. गो थ्रू करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे अगर आप क्लिक करोगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपको ये ई वेरीफिकेशन वाले सबमिट करा के ई वेरीफाई करा देगा. इस तरीके से आप अपने एफ एंड ओ के लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. अगर आपको टैक्स एडवाइजरी से सर्विसेज लेनी है, एफ एंड ओ के लॉसेज कैरी फॉरवर्ड करानी है, या आपको ऑडिट वगैरह कराना है या कैलकुलेशन करानी है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट अस का. वहाँ पे आप अपनी क्वेरी जनरेट कर दीजिए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर दीजिए कर लेगी. उसके अलावा हमने अपने नंबर भी मेंशन किए हुए हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच.